एसएससी सिटी को देखते हैं, उसके बाद सीधे बात करेंगे ऑप्शन स्ट्रेटजी की। आपकी स्क्रीन पे करीब 2284 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें एजुकेशन, आई थिंक दीपाली एक और नया सेक्टर और एक और अगर आते कि बाजार के पास डिस्कशन पॉइंट 26 मई को नई एजुकेशन पॉलिसी। आई थिंक देखिए इस एजुकेशन पॉलिसी में सारी ही कंपनियों को फायदा पहुंचेगा। क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी की मुख्य बातें, आई मीन क्या है? एक वो है लिबर्टी, एक है आज़ादी अपना क्यूरिकुलम तय करने की, अपने स्टाइल ऑफ एजुकेशन को एस्टेब्लिश करने की। आई थिंक अब तक भारत में इसी चीज़ की कमी थी और इस पॉलिसी में आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट वही होगा। इसको समझते हैं, मेरे साथ यूज़ रूम से इस वक्त संदीप है बात करने के लिए। संदीप, एग्जैक्टली इस पॉलिसी में क्या महत्वपूर्ण होगा और एग्जैक्टली जो अब तक चलता आ रहा है उस प्रचलन को कैसे अगर आप देखें खत्म किया जाएगा इस पॉलिसी में? शुक्रिया वीरेन। देखिए मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं 26 मई को, और उस उपलक्ष्य में उससे पहले ही 26 मई से पहले इस पॉलिसी का ऐलान हो सकता है, ऐसा शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कमेंट्स निकल के सामने। और यही कारण है कि बीते हफ्ते हमने देखा कि एजुकेशन स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी जो रैली है वो देखने को मिली थी। जो मेन की पॉइंट्स है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसमें जो जितनी भी दिक्कतें हैं पूरे एजुकेशन स्पेस की, उसको एड्रेस करने की कोशिश एनसीईआरटी की इस पॉलिसी में की जाएगी। और माना जा रहा है कि एक फ्री ऑनलाइन पोर्टल है स्वयं के नाम से, जो कि सरकार इस बार लॉन्च करती हुई नजर आ सकती है। इस फ्री ऑनलाइन पोर्टल के अलावा जो 10 भाषाओं में जो मोबाइल ऐप है उसको भी जारी किया जाएगा। और इस पोर्टल और साथ ही साथ जो मोबाइल ऐप है उसके जरिए 9वीं से लेकर 12वीं के जो छात्र है वो दरअसल फ्री ऑनलाइन सेवाएं पा सकेंगे, और केवल इनके जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए जो छात्र हैं उनको फीस देनी होगी। ये दरअसल जो एजुकेशन स्पेस की कंपनी है जो कि ऑनलाइन सेवाएं देती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस पॉलिसी के तहत जो निजी क्षेत्र है उसकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ ये जो शिक्षा को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से R&D पर जो कुल खर्च है GDP का उसको करीब 1.5% तक किया जा सकता है। तो बड़े अनाउंसमेंट कुछ देखने को मिल सकते हैं, और माना यह भी जा रहा है कि अगले 2 महीने में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो ऐसी कंपनी जो कि ऑनलाइन सेवाएं देती के लिए जानी जाती है, उसमें एडोकॉम, एवरोन, एनआईटेक, एपटेक, करियर पॉइंट, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बीते हफ्ते भी इसी अनाउंसमेंट के चलते, इसी उम्मीद के चलते आपने देखा काफ़ी बड़े रनअप दिखाती नजर आ रही थी। और इसका अगर अनाउंसमेंट होता है तो जाहिर सी बात है पूरा जो एजुकेशन स्पेस है उसमें एक रीरेटिंग की संभावना भी आप मान के चल सकते हैं। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने वाला है उससे पहले अगर आप देखिए पूरे एजुकेशन स्पेस में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो पूरी एजुकेशन स्पेस पर आपको आज ही नहीं पूरे हफ्ते नजर रखनी है। गौरांग, नई एजुकेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट 26 मई या फिर उससे पहले हो सकती है, इस तरह की अनाउंसमेंट हाल ही में स्मृति ईरानी की ओर से आई भी थी। ऑनलाइन शिक्षा पर जोर रहेगा, एम्प्लॉयमेंट को, एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ने पर जोर रहेगा। लेकिन इस पूरे स्पेस की बात करें तो यूनाइटेड लिमिटेड जैसे कुछ एक एक्सेप्शनल स्टॉक्स हैं, जिनके अलावा ज्यादातर स्टॉक्स ने आज तक भी इन्वेस्टर्स को कम्फर्ट नहीं दिया जब भी निवेश की बात हुई है। लेकिन क्या नई एजुकेशन पॉलिसी कुछ फॉर्च्यून इस स्पेस के बदल सकती है, और अगर चेस करने हो कुछ स्टॉक्स तो क्या कोई बेट है आपकी इस पूरी पॉकेट में? देखिए दीपाली, पहले तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ऊपर के तरफ है, और अगर कोई एक नाम जहन में आता है और जहाँ पर हमारी कवरेज है तो वो है NIIT। और मेरे ख्याल से ये एक ट्रिगर बिल्कुल है जैसे अभी संदीप भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन ज़रूरी ये देखना होगा कि कौन सी कंपनी को किस तरीके का ऑर्डर मिलता है और कितने समय का मिलता है, और वहाँ पर किस तरीके की ज़मीनी स्तर पर जब लागू होगा या फिर ये फिर रोल आउट होगा तो किस तरीके से होगा। और जहाँ तक रहा एवरॉन और एड्यूकॉम जैसी कंपनियों का रुझान, तो मोटे तौर पर तो निराश ही किया है, और मैं यहाँ पर किसी भी तरह की वैल्यू बाइंग या बॉटम फिशिंग प्रीएम्प्टिव नहीं करना चाहूँगा। हाँ, लेकिन NIIT एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर हमारी कवरेज है, शायद इसको एक इस ट्रिगर का फायदा हो सकता है आगे जा करके, अगर संभव होता है कि इनको कुछ ऑर्डर मिल सके। जी, जय, संक्षेप में अगर कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस हफ्ते के लिए फिर आज के लिए एजुकेशन स्टॉक्स में बनानी हो तो क्या कोई चुनना चाहेंगे आप शेयर या फिर अवॉइड करेंगे? आई थिंक अगर करना ही है कोई भी स्टॉक में तो डेफिनेटली मैं गौरव से सहमत हूँ। NIIT एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक रेंज में से ब्रेकआउट आया है उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बाय कर सकते हैं ट्रेडर्स। ऑन द लोअर साइड एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है स्टॉक में 77 के आसपास, जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करता 77 के नीचे नहीं जाता ये स्टॉक। एंड ऑन द अपसाइड मिनिमम जो टारगेट बनकर आ रहा है वो 107 से लेकर 110 की रेंज में आ रहा है, तो आई थिंक यही एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बाकी सब स्टॉक्स अवॉइड कर सकते हैं। जी, चलिए अब आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी जान लेते हैं, यानी 2 स्टॉक ऑप्शन जिन पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं, वे कौन से शेयर्स हैं? आज देखिए 2 स्ट्रेटेजीज हमारे साथ शेयर करी है निर्मल बैंक सिक्योरिटीज ने। पहली है अदानी पोर्ट्स एंड रिजर्व्स, आइए एक बार चार्ट देखते हैं उसके बाद एग्जैक्टली
तय करते हैं कि कहां तक की तेजी। देखिए काफी गिरने के बाद ये जो ट्रेड है इट्स ए टिपिकल पुल बैक ट्रेड है। शुक्रवार को इनफैक्ट याद होगा दिवाली हम एफएन अपडेट में बात भी कर रहे थे कि सबसे स्ट्रांग ओआई एडिशंस की सीट में ये स्टॉक था, तो चांसेस ऑफ पुल बैक। और इसी पुल बैक को खेलने के लिए आपको करना क्या है कि आपको 180 की कॉल खरीदनी है। अभी आई थिंक दिस इज एट द मनी कॉल और करीब 2.80 रुपए के आसपास ही आपको कॉल मिलेगी। याद रखिए इट्स अ पुल बैक ट्रेड, तो आपको वेट करना है कुछ देर के लिए और उसके बाद देखिए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद अपने ट्रेड का निर्णय लीजिए। 7 रुपए का लक्ष्य है और 1 रुपए का यहाँ पे हार्डली स्टॉप लॉस होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है यहाँ पे, वैल्यू एट रिस्क हार्डली अगर आप देखें 1.80 रुपए की है। अदानी पोर्ट्स इट्स अ पुल बैक ट्रेड। दूसरा ट्रेड है याद रखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज में तेजी संभव। आइए एचसीएल टेक्नोलॉजीज देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये भी क्या कर रहा है, एक Q4 नंबर्स के बाद एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट, सबसे बड़ा अगर आप देखिए अंडर परफॉर्मर रहा ये, और फिर आप देखिए कि मई के दोनों हफ्तों में ये संभला है, स्टॉक संभल के कुछ तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे एक तर्कसंगत आई मीन रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिस्ट है ना वो बिलीव कर रहे हैं कि इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, इसमें मंदड़ियों की जो पोजीशन है वो कवर होगी, और इसी के लिए उन्होंने 740 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदी है। हेड द मनी कॉल है लगभग 7.25 रुपए के आसपास विद ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 14, स्टॉप लॉस रखे यहाँ पर 3 रुपए का। ये लार्ज कैप में आईटी स्पेस में जय, आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग आई मीन कुछ स्टॉक्स आई मीन इन्फोसिस, TCS, HCL Technologies, Wipro, इनमें से क्या लेना चाहेंगे आप इस वक्त? एक चीज इनके फेवर में जा रही है एंड दैट इज आई थिंक डेप्रिशिएटिंग रूपी, रुपए की कमजोरी बीते हफ्ते की वो इनके फेवर में जा रही है इस वक्त। सही बात है वीरेंद्र, मगर आप अगर देखे थे वो इन्फोसिस काफ़ी समय से ऑन दी अपसाइड मूव नहीं कर पा रहा, रेजिस्टेंस फेस हो रहा, तो इन्फोसिस में डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ट्रेडर्स के लिए मुझे नहीं लग रही है। TCS में काफ़ी कच्चा मूव देखने ऑलरेडी हमें देखने मिल चुका है और फिर से ये स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिला है। विप्रो काफ़ी समय से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो विप्रो भी अवॉइड करने का मेरी सलाह रहेगी। तो कोई एक स्टॉक बचता है जहाँ पे एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ये वीक में, एटलीस्ट दिस सीरीज जब तक यू नो वी आर एक्सपेक्टिंग, तो HCL टेक्नोलॉजी ऐसा स्टॉक है जिसमें एक शार्प मूव जो आप बता रहे थे एक देखने मिल चुका है ऑन द लोअर साइड और एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है बिकॉज स्टॉक लोअर एंड ऑफ द चैनल पर आ चुका है। तो मेरा ये मानना है 765-770 ऑन द अपसाइड ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं जब तक 715 से लेके 720 की रेंज के नीचे क्लोज नहीं आता, तो एक ही ऐसा एक स्टॉक बनता है आई थिंक ट्रेडर्स के लिए जहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन बनाई जा सकती है। जी नताशा, आज दो नतीजे आने, एक तो टाटा पावर और दूसरा डिश टीवी। पहले तो डिस्क्लेमर दे दे डिश टीवी के बारे में कि एसएल समूह की कंपनी है जिसके माध्यम से व्यूअर्स ये चैनल देख रहे हैं। दोनों के ही अर्निंग्स स्ट्रांग रह सकते हैं, टाटा पावर की जो प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर 100% ज्यादा की इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। वहीं अगर बात करें डिश टीवी की, तो जो रेट हाइक किया कंपनी ने मार्च क्वार्टर में या फिर जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है उसकी वजह से एक स्ट्रांग नंबर्स कंपनी पोस्ट कर सकती है। और प्रिसाइसली अगर अरबों की बात करें तो वहां पर 4-8% का अनुमान है, ज्यादा ब्रोकर हाउसेस की ओर से कहा गया है। तो एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस ओवरऑल प्रोजेक्टेड है डिश टीवी के लिए भी। स्टॉक ने हाल ही में काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया भी है, लेकिन अप्रोच आपकी क्या रहेगी इन दोनों शेयरों पर, टाटा पावर और डिश टीवी? देखिए दोनों ही कंपनीज हमारे फॉर्मल कवरेज में नहीं है। हैविंग सेड दैट, दोनों के जो नतीजे हैं वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन यही है कि दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा, पर्टिकुलरली डिश टीवी के साइड में, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने अभी रेट हाइक्स किए हैं और जिस तरह से सब्सक्राइबर एडिशन हुआ है और जिस तरह से HD के तरफ में रुझान रहा है सारे सब्सक्राइबर्स का, जिसकी वजह से आरपू में भी इम्प्रूवमेंट मिला है और आगे जाके भी मिलने की संभावना है, तो दोनों ही चीज़ें कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं और उसकी वजह से उनके नतीजे इस समय भी अच्छे आएंगे और उसको वैल्यू बाइंग के हिसाब से देखा भी जा सकता है। एक और चीज़ आई थिंक मैं जैसे शुरुआती कमेंट में जिक्र किया था कि हाइड्रोटेक सीमेंट प्रेशर पॉइंट रहेगा। आप देखिए अंबुजा सीमेंट्स को शुक्रवार को अंतिम बाजी के दौरान आई मीन क्लोजिंग के वक्त आप जरा अंबुजा सीमेंट्स का इंट्राडे बिहेवियर देखिए, कैसे ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी की तरफ ये स्टॉक खिसका था 208 के स्तर पे। आई थिंक ये शुक्रवार को जो गिरावट थी ना जय अंबुजा सीमेंट्स की, आई थिंक मेरे को एक बार सोचने के लिए मजबूर कर रही कि क्या सीमेंट में जहाँ पर अच्छे खासे लोग प्रॉफिट से बैठे हैं ये एक मंदड़ियों को शॉर्टिंग का एक अच्छा एरिया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप एग्जैक्टली अपनी थॉट प्रोसेस क्या रखते हैं आई मीन सीमेंट काउंटर्स पे, एनी आइडिया विद इन द बास्केट ऑफ सीमेंट टू गो शॉर्ट या फिर पुट ऑप्शन जून का? डेफिनेटली वीरेंद्र, सारे सीमेंट पैक में यू नो लास्ट 1-2 महीनों से हमें काफ़ी एक अच्छा मूव देखने मिल चुका है। अंबुजा सीमेंट एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसमें हमें ज़्यादा करेक्शन देखने मिल चुका है कंपेयर टू ACC अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया ग्रासिमो। पर जहाँ वीरेंद्र एंटायर सेक्टर की बात है मुझे नेगेटिव लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पूरा मूव देखने मिला उसका रिट्रेसमेंट या तो करेक्शन देखने मिल सकता है, जिसमें एक शॉर्ट साइड पर अगर यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के नज़रिए से अगर देखा जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट जहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न फॉर्म हुआ है वहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बनाई जा सकती है। और
ACC जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो चुका है, वहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है। तो ये दो स्टॉक ऐसे वीरेंद्र ACC और अल्ट्राटेक सीमेंट मुझे जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क और शॉर्ट साइड पर ज़्यादा है। ग्रासिम भी काफ़ी वीक लग रहा है, बट ऐसा कोई एक रिवर्सल ग्रासिम एज ऑफ नाउ देखने नहीं मिला है, तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहूँगा। ये दो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। चलिए 9 बजे हैं, हर रोज की तरह शेयर बाजार लाइव कहीं रोकते हैं।